हे दोस्तों, अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि योजना की कि क्यों सुकन्या समृद्धि योजना इतनी सक्सेसफुल हो पाई, क्या कारण थे सुकन्या समृद्धि योजना के जो सुकन्या समृद्धि योजना इतनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकी और कितने ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर खाता खुलवाया, क्या इसकी सफलता के राज हैं, तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुकन्या समृद्धि की उन्हीं पावरफुल पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसके कारण से सुकन्या समृद्धि योजना इतनी पावरफुल और इतनी सक्सेसफुल योजना बन पाई। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो उसके बारे में मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, अलग अलग तरह की कैलकुलेशन, अलग अलग तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट और अलग अलग तरह के मैच्योरिटी अमाउंट्स के ऊपर, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी पावरफुल इतनी सक्सेसफुल योजना क्यों बन सकी, तो यहां पे पहला पॉइंट निकल के आता है न्यूनतम धनराशि से खाता खोल सकते हैं आप। दोस्तों, यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं सन 2014 में इसको लॉन्च किया गया और यहां पे बहुत सारी तरीके से न्यूनतम धनराशि पहले 1000 थी, उसको घटा करके 500 कर दिया गया। एक ये पॉइंट है जो कि मुझे मास्टर स्ट्रोक लगता है, किसी भी योजना के अंदर किसी भी धनराशि को घटा करके कम कर देना, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है किसी भी योजना को सक्सेसफुल बनाने में, या फिर अगर आप पैसे बढ़ा देंगे उसके ऊपर तो उसको कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन कम पैसे में अच्छी चीज़ कोई भी खरीद लेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आम आदमी की पूरी सहमति के मिल गई, जब से ये 500 रुपये में खुलने लगी आम आदमी की पूरी सहमति मिल गई सुकन्या समृद्धि योजना को कि ये एक अच्छी योजना है, 500 रुपये देकर के भी आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं रखी गई, 500 रुपये कम से कम है, आप 1000 से खोलिए, 2000 से खोलिए, 10000 से खोलिए, 1.5 लाख रुपए से खोल लीजिए, मिनिमम लिमिट रख दी उन्होंने 500 रुपये, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप जमा करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे जो ब्याज दर है, जी हां दोस्तों, दूसरा पॉइंट भी बता रहा हूं आपको, यहां पे जो ब्याज दर रखी गई वो इतनी पावरफुल रखी गई, इतनी अच्छी ब्याज दर दी गई इसके अंदर। स्टार्ट हुई थी योजना 9.2% की ब्याज दर के साथ में आपको पैसा मिल रहा था, हालांकि वो फ्लक्चुएटेड है कि वहां पे कभी भी किसे भी करके उसको चेंज कर सकते, लेकिन फिर भी लोगों को ये चीज़ समझ आती है कि 9% का ब्याज तो बैंक भी नहीं दे रहा, लेकिन हमें इस पॉलिसी के अंदर 9% का ब्याज मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे क्यों ना हम पैसा बैंक में ना जमा करा करके इस वाली योजना को ले लेते, यहां पे भी पैसा हमारा जमा हो रहा है, ब्याज हमें यहां पे ज्यादा कम मिल रहा है, बैंक में कम मिल रहा है, यहां पे हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो यहां पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक दूसरा पॉइंट ये भी था। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे के अंडर सेक्शन 80C के तहत यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी दे दिया, जैसे भी किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल गया, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है किसी भी टैक्स सेवर के लिए जो टैक्स को सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो कहाँ पे डालें पैसा, कहाँ पे डालें भाई, कहाँ पे डालूं मैं पैसा ताकि मुझे टैक्स बेनिफिट मिल सके, तो लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना निकल के सामने आ गई। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ रिस्कवर भी मिलता है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, यानी कि ब्याज भी मिल रहा है, रिस्कवर भी मिल रहा है, और साथ के साथ में आपको टैक्स सेविंग भी मिल रही है, और क्या चाहिए भाई। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बैंकों ने भी इसका बहुत अच्छी तरीके से प्रमोशन किया, किस तरीके से, अगर आप पैसे निकालने जा रहे हैं बैंक में तो भी आपको सुकन्या समृद्धि योजना का बोर्ड मिल रहा है, पैसे लेने जा रहे हैं तो भी सुकन्या समृद्धि योजना का बोर्ड मिल रहा है, फॉर्म बिल्कुल सामने ही रखे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लीजिए भाई फॉर्म, और यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना की ये फॉर्म है, और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो अवधि रखी गई है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट लगता है कि यहाँ पे आपकी बेटी 1 साल की है, आपकी बेटी 2 साल की है, या आपकी बेटी 10 साल की है, अवधि जो रखी गई है वो बिल्कुल सूटेबल है। अगर मैं बात करूँ 14 साल, 15 साल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी बेटी 10 साल की भी है तो भी आप 14 साल 15 साल पैसे भर करके मैच्योरिटी ले सकते हैं, 25-26 साल की जब तक आपकी बेटी होगी आप उसकी शादी कर सकते हैं। एक ये प्लस पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि मुझे सबसे पॉइंट यहाँ पर अच्छा लगा कि यहाँ पर आपको जो अवधि दी गई है वो थोड़ी सी शॉर्ट रखी गई है, 20 साल 25 साल जैसी LIC की पॉलिसीज़ के अंदर होता है वैसा नहीं बढ़ाया गया, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट निकल के आता है, आप इस खाते को नकदास में, अगर मैं बात करूँ क्रेडिट कार्ड माफ़ कीजिएगा चेक से, या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप इस खाते को ओपन करवा सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो कि निकल के आते हैं बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, और यही एक पॉइंट्स जो होते हैं कोई भी एक आम आदमी
खाता खोलने से पहले या फिर किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले खोलता है। सबसे लास्ट पॉइंट जो निकल के आता है दोस्तों, इस योजना को आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाया गया। इसे आम आदमी बहुत ही आसानी से खोल सकता है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे पोस्ट ऑफिस में या किसी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में। इस योजना के फॉर्म बिल्कुल ही सामने रखे हुए होते हैं और वहां से आप इसको डाउनलोड, वहां से आप उसको लेकर के और वहां पे अपने फॉर्म के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आम आदमी की पहुंच तक भी पहुंचाया गया इसको। तो इसके ये सारे के सारे कारण हैं जिसके कारण सुकन्या समृद्धि योजना इतनी सफल और इतनी विस्तृत योजना बन करके सामने आई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए होंगे और सारे पॉइंट्स कवर करने के साथ साथ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे एक मोटिवेशन मिलती है आने वाली नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, अमेजिंग केस स्टडीज देखने के लिए आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अमेजिंग वीडियोस बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और केस स्टडीज आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ये मेरा वादा है। और प्रेम पूर्वक आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि दोस्तों इसी तरीके से आप अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद मेरे को बनाए रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों की बदौलत है कि मैं यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से काम कर पा रहा हूँ। दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं मेरी तरफ से। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।